हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम आज आपको 21 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, धन वर्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। धन वर्षा योजना की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये शुरू की गई है LIC के द्वारा। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा भी हुआ है। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये जो है धन वर्षा योजना, ठीक है, ये जो धन वर्षा योजना है, ये जो है प्लान नंबर है, ये प्लान नंबर 866 है। LIC का ये प्लान नंबर 866 है और दिस इज ए न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बात करें LIC के बारे में तो LIC के अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है MR कुमार। अभी जो LIC के चेयरमैन है उनका नाम है MR कुमार। LIC का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो वह है मुंबई। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई। LIC जो कब फाउंड हुआ था? तो ये हुआ था 1 सितंबर 1956, यानी एस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए तो 1 सितंबर 1956 को, When Parliament of India passed the Life Insurance of India Act। तो यहां से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1956 में। तो इतने क्वेश्चन आपको LIC से पूछा जा सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं SBI का, ऑप्शन नंबर 2 है SBI का। तो SBI से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1 जुलाई 1956 को SBI जो है इस्टेब्लिश हुआ था। अगर SBI का हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो SBI का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और SBI के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो SBI के जो चेयरमैन है फिलहाल है उनका नाम है DK खारा। पूरा नाम क्या है? DK खारा, इसको बोलते हैं दिनेश कुमार खरा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है नाबार्ड। तो नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का जो भी हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और FSB के द्वारा मोहम्मद मुस्तफा को, ठीक है, FSB के द्वारा मोहम्मद मुस्तफा को रिकमेंड किया गया एज ए चेयरमैन। चलिए और एक ऑप्शन है गेल। तो गेल से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेल के अभी चेयरमैन कौन है? तो गेल के जो चेयरमैन है उनका नाम है MB लैयर। क्या नाम है? MB लैयर है जो गेल के क्या है? चेयरमैन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2030? एशियाई कप 2030 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसके द्वारा? कतर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें AFC का, तो AFC का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? तो AFC का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सलमान बिन खलीफा। ठीक है, और इसके बाद कतर जो है सबसे लेटेस्ट विनर है, और कतर जो है इसको ये थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक है, ये जो 2023 में है ये थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज करवाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द इंडियन जन फर्टिलाइजर स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द इंडियन जन फर्टिलाइजर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाई, तो भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत किनके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है जन फर्टिलाइजर योजना है, ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक है, ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत जन फर्टिलाइजर स्कीम को लाया गया है। बेसिकली इस स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स में ये रखा गया है कि कम कीमत पर
कम कीमत पर अच्छे फर्टिलाइजर किसको देना, फार्मर्स को देना है। साथ ही साथ इन लोग को नैनो यूरिया से ही परिचित कराया गया इसी स्कीम के तहत। तो नैनो यूरिया क्या होता है, सबसे पहले तो आपको नैनो यूरिया को थोड़ा सा आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अभी आप डीएपी वगैरह खाद का नाम जानते होंगे, जो फर्टिलाइजर होता है उसमें एक एक बोरी होता है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए गवर्नमेंट का जो स्कीम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत, एक बोरे यानी 50 किलो का जो बोरा होता है उस बोरे को मात्र एक बोतल में कन्वर्ट कर देना एज ए लिक्विड फॉर्म में, कि आप उसको क्या कर सकते हैं, पानी में मिलाकर पूरे छिड़काव कर दे तो एक बोरे के बराबर वो काम करेगा। तो इस तरह से नैनो यूरिया से भी वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत इसकी भी बातचीत चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 2022? तो 2022 का वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे का जो थीम है वो होगा डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जून को, यानी 29 जून इसका ई होगा आंसर, ठीक है। और यह जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये हर 5 साल पर मनाया जाता है। और ये जो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 20 अक्टूबर 2010 को, 20 अक्टूबर 2010 को यह फर्स्ट टाइम मनाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी? तो ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है उनका क्या नाम है, तो ये साहिल सेठ, ठीक है। साहिल सेठ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये बुक है, ठीक है, और साहिल सेठ इसके राइटर है जो IRS है। और किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है, तो ये बुक जो है ये पब्लिश किया गया है ब्लू रोज के द्वारा, ब्लू रोज के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। विच राइस ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड रिसेंटली? हाल ही में भारत के किस चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता मिली है? तो यह मिली है इंडिया गेट का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंडिया गेट जो चावल है वो KRBL ब्रांड से बिलोंग करता है, ठीक है। किस ब्रांड से? KRBL ब्रांड से, ठीक। और ये जो है किसके द्वारा ये रिसर्च किया गया, तो ये रिसर्च जो किया गया है उसका नाम है मॉडर्न इंटेलिजेंस, ठीक है। मॉडर्न इंटेलिजेंस के द्वारा इसे रिसर्च किया गया है, जिसमें भारत के बासमती राइस को विश्व का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में इसे मान्यता मिली है। इंडिया गेट चावल की बात किया जाए, इंडिया गेट चावल की बात किया जाए तो इंडिया गेट जो चावल है वो 1998 से उत्पादन, मतलब बेसिकली इस पे काम चल रहा है, ठीक है। और ये पूरे 8 करोड़ पैकेट, ठीक है, लगभग 8 करोड़ पैकेट ये हर साल ये अपना सेल कर देती है। कितने कंट्री में ये सेल करती है, तो लगभग 90 कंट्री में ये सेल करती है अप्रोक्स, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ते हैं। इन विच स्टेट विल द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवल एकेडमी? तो इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा आपको केरला में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और केरला में कहां पर किया जाएगा, तो मरक्कर वाटरमैनशिप, ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं मरक्कर वाटर मार्शिप, और ये जो है भारत के 75वें आजादी के स्वतंत्रता पे, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसे भी इसी के अकॉर्डिंग इसको कराया जा रहा है। और ये जो होगा 18 से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में हो रहा है, ठीक है, 18 से 21, यानी आज इसका समापन है। और ये जो है लार्जेस्ट इंटर नेवी, ठीक है, ये लार्जेस्ट इंट्रा नेवी सेलिंग रेगेट है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये बता दूं कि ये जो है
ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस तरह के खेल को खिलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंटरिम सीईओ पेटीएम बैंक। तो इंटरिम सीईओ पेटीएम बैंक दीपेंद्र सिंह रावत, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है सतीश गुप्ता को, सतीश गुप्ता की इन्होंने रिप्लेस किया है। साथ ही साथ पेटीएम के हाल ही में सीओओ को भी नियुक्त किया गया है जिनका नाम क्या है, चंदर शर्मा। ठीक है, चंदर शर्मा मतलब दीपेंद्र सिंह रावत और चंदर शर्मा को दोनों के एक ही साथ अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जरा सा बता देता हूं कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2015 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा और शेड्यूल बैंक इसको स्टेटस कब मिली थी, आरबीआई के द्वारा इसे शेड्यूल बैंक स्टेटस ये मिला था 2021 में। और बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक में तो इसमें दो लोग, एक विजय शेखर जिनका इसमें स्टेक है लगभग 51% और 197 कम्युनिकेशन इसमें इसका स्टेक है 49%। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच हैज बिकम द कंट्री लार्जेस्ट कंपनी प्रोवाइडिंग फिक्स्ड लाइन सर्विस। फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदान करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो ये कंपनी बन गई रिलायंस जियो। अब यहां पर आपको मैं फिक्स्ड लाइन सर्विस क्या होता है जरा सा इस पे आपको बता दूं, तब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड लाइन सर्विस मीन्स होता है कि वायर सर्विस, वायर लाइन। तो अभी तक पूरे भारत में वायर लाइन यानी ब्रॉडबैंड वगैरह जो भी यूज होता है वो वायर लाइन के थ्रू ही होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा वायर लाइन के साथ कस्टमर जो यूज कर रहे हैं वो अभी फिलहाल जियो के हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इसके पहले ये श्रेय बीएसएनएल को जाता था और इसने बीएसएनएल को ही रिप्लेस किया है। अभी बता दे वायरलेस कस्टमर के तहत तो 73.52 लाख जियो को यूज कर रहे हैं और 71.32 बीएसएनएल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा लाया गया है, तो टीआरए के द्वारा ये घोषित किया गया है। बात करें टीआरआई का, तो टीआरआई जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1997 को। इसका जो टीआरआई के जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली और टीआरआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है राम सेवक शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिशा एयरवेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, बनासकांठा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है बनासकांठा में। ठीक है, तो ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के सीमा से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस की आधारशिला रखी गई है। इस एयरबेस के लिए भूमि जो दी गई थी सन 2000 में वाजपेयी सरकार में ही दिया गया था, लेकिन यूएपीए के सरकार ने इसको पूरे तरीके से ठंडा बस्ता में डाल दिया गया था और फिर से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में इसे फिर से शुरुआत की गई है और इसे बहुत जल्द बनाने का आधारशिला भी रखा गया है। तो ये रहा पूरे 21 अक्टूबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर आप एसएससी दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो, क्लैट दे रहे हो, सिविल कोर्ट दे रहे हो, एफक्वाइट पेपर दे रहे हो, बैंक, रेलवे, ड्यू लॉ, बीएचयू, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस, ये सारे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये करेंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आप पीडीएफ जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।